हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो यार अभी जैसा कि आपने अपनी आंसर की वगैरह चेक करी होगी, है ना, जो सैनिक स्कूल की आंसर की आई थी चैलेंज करने के लिए, वो आपने कर दी होगी। ओएमआर शीट आपने देखी होगी, अब तो वो बंद भी हो गया होगा। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा सैनिक स्कूल का, नाउ व्हाट। ठीक है, आगे जो आंसर की आई उसके बाद अब क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो यार आपको ध्यान से समझना चीज़ों को। अभी इसमें क्या होगा, आपकी तो एक बार जो पहली आएगी क्या रिवाइज्ड आंसर की आएगी। ठीक है, क्या आना है, सबसे पहले आएगा हमारा रिवाइज्ड आंसर की। ठीक है, कि अगर किसी ने चैलेंज वगैरह करे होंगे, वैसे कम चांसेस रहते हैं, मतलब एक दो ही वैसे क्वेश्चन होंगे जिनमें थोड़ी दिक्कत वगैरह होगी। ठीक है, तो फिर रिवाइज्ड आंसर की आएगी, वही फिर फाइनल आंसर की मानी जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, आपका रिजल्ट जो कि स्कोर कार्ड वगैरह होगा वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड वगैरह आपका क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका मिल गया। अब क्या होगा इसके बाद, इसी दौरान आपकी क्या आएगी, एक क्वालिफाइड लिस्ट आएगी। इसी दौरान क्या होगा, एक क्वालिफाइड लिस्ट आती है। क्वालिफाइड लिस्ट का मतलब क्या है कि उन स्टूडेंट की लिस्ट आएगी। ठीक है, उन स्टूडेंट की लिस्ट आएगी जिन्होंने एग्जाम को पास कर लिया है। ठीक है, अब इसमें जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो भी होंगे और जिनके मिनिमम मार्क्स होंगे वो भी होंगे। मिनिमम मतलब जिन्होंने एग्जाम को पास करा होगा। ठीक है, जो फेल होंगे, कुछ क्राइटेरिया रहता है ना कि सिक्स के लिए, नाइन्थ के लिए ऐसा कुछ रहता है ना कि ओवरऑल 40% होने चाहिए, इस तरीके से रहता है ना। तो जिनके मिनिमम मार्क्स जिन्होंने एग्जाम के लिए पासिंग जो मार्क्स थे वो जिनके आए होंगे उनके भी इसमें नाम होंगे, और जो टॉप बीच वाले होंगे उनके भी नाम होंगे। जिन्होंने फेल कर लिया होगा उनके नाम इसमें नहीं होंगे। क्वालिफाइड लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद फिर आपका यहाँ क्या होगा, काउंसिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके बाद अब इसी ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपको डिटेल्स वगैरह डालनी होती है, स्कूल वगैरह चूज करने होते हैं, नंबर वगैरह डालने होते हैं ना, तो सारी अपनी डिटेल्स देनी होती है। फिर वहाँ पे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो मेन चीज़ है कि सैनिक स्कूल में वैकेंट सीट्स के अकॉर्डिंग फिर आपको स्कूल मिल जाता है। ये दो चार राउंड में चलेगी जब तक कि सारी सीट्स फिल नहीं हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा ऐसा प्रोसेस यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, बाकी फिर क्वालिफाइड लिस्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको काउंसलिंग कर रही है, किसको काउंसलिंग नहीं करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपका सारा का सारा रहने वाला है। अब जिसको लग रहा है कि यार हमारे मार्क्स ठीक आ रखे हैं, आंसर के आपने देखी होगी, ओएमआर शीट से आपने मैच किया होगा, जिनको लग रहा है कि हाँ यार ठीक है, वो अपना वेट करो। जिनको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत कम है, काउंसलिंग तो आप करवा ही लेना, काउंसलिंग तो करवा ही लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ऐसा मैं तो नहीं हो पाएगा, हमें भी पता है कहीं ना कहीं कि नहीं हो रहा है, तो फिर आप आगे अपना, अगर आपका जो भी आगे का गोल है उस गोल को सेट कर लो। जिसके पास और अटेम्प्ट है तो वो अपना फिर से तैयारी कर लो, है ना, क्योंकि तैयारी तो यार करनी पड़ेगी हमें, है ना। सिर्फ बैठने से तो कुछ होने नहीं वाला, है ना, हाथ पे हाथ धरे बैठोगे उससे तो कुछ होने नहीं वाला, कुछ ना कुछ तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी पढ़ना तो वैसे भी है, स्कूल गए तो आप वैसे भी पढ़ोगे ही, एक बार आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो फिर उसे रिविजन मोड में रखो। अगर नहीं पढ़ रखा अच्छे से तो स्टार्ट से फिर से कर लो। बैच भी हम लोगों के चल रहे हैं, ठीक है, विनर बैच चल रहा है जिसमें आपको डेली क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत आ गई आपने कनेक्ट कर लिया, है ना, और क्लासेस की गारंटी रहती है। जो भी आपको करवाया जाएगा आपको इजीली समझ आएगा, उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी परेशानी नहीं आने देंगे। ठीक है, बाकी आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा, इन पे मैं पूरा आपको बताऊंगा कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे क्या क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ टाइम टू टाइम आपको बताना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अभी ही कर लिया, अभी आप बस मुझे बताएं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपके एग्जाम भी चल रहे हैं स्कूल वाले, है ना, बहुत सारे बच्चों के स्कूल वाले एग्जाम भी चल रहे हैं, तो उन पे भी आप लोगों को फोकस रखना है। ये काम तो होता रहेगा, और ये काम वैसे भी आपका नहीं है, ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ये काम आपका नहीं है, ये काम उनका है, सैनिक स्कूल वालों का है, सैनिक सोसाइटी या एनटीए का है। ठीक है, वो सब करेंगे काउंसलिंग वगैरह, आपको बस डिटेल फिल करने के, हाँ भाई लो अब जो मर्जी करो, हमें स्कूल ला के दो, हमें एक सीट दे दो बस। ठीक है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है अपना, और जो आपके अभी चल रहा है स्कूल वगैरह का उस पर फोकस रखो। ठीक है, और बाकी अपना मस्त होकर के अपनी प्रिपरेशन वगैरह चीज़ों को अच्छे से करते रहो, अच्छे से बी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सोचते रहो कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, थोड़ा बहुत करना भी पड़ेगा। ठीक है, कम सोचना है, ज़्यादा करना है। ठीक है, और सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसे करना भी है ना, समझ रहे हो। सिर्फ मैं सुबह से शाम तक बैठ के सोचूं कि यार ये करना था, ये करना था, जब तक करा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। भले कम करो लेकिन करो, और कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल निरंतरता के साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक दिन करा, चार दिन का है। ठीक है, एक दिन फुल कर लिया,
एक हफ्ते गायब, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा करो लेकिन डेली करो, डेली हैबिट में करते रहो, है ना। कहा जाता है ना कि अगर आपने एक दिन में कोई भी चीज सिर्फ एक कर ली, है ना, उसका एक स्टेप आपने कर लिया मान लो, है ना, बिल्कुल छोटा सा पार्ट कर लिया, अगर आपने डेली करते जा रहे हो तो 365, या ऐसा समझ लो डेली अगर आप अपने आप को 1% भी ऊपर कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है, 1%, तो मान लो 365 पूरे साल में कहां से कहां पहुंच जाओगे, ठीक है। तो डेली अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले आओ, अपना लेवल बढ़ाओ, वो कैसा भी लेवल हो सकता है, आपका डिसिप्लिन का हो सकता है, आपकी स्टडी का हो सकता है, आपकी हैबिट्स का हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको गाइस जरूर करना है, ठीक है। और बस इस तरीके से अपनी अच्छी सी स्टूडेंट जो आपकी लाइफ है उसे इंजॉय करो, बाद में तो बहुत झमेला है, ठीक है, बाद में बहुत झमेला है, अभी आप प्रॉपर एज में हो, मस्त अपनी इस लाइफ को इंजॉय करो, पढ़ाई करते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, बैलेंस वे में चलते रहो, ठीक है। कभी कभार ऊपर नीचे आपके जीवन में उतार चढ़ाव भी आएंगे, कभी कुछ आपके मन का नहीं होता है, है ना, तो उसमें परेशान नहीं होना है, आराम से रहना है, जैसा भी आपका ये आंसर की वगैरह आपका आपने चेक करा होगा, किसी के मार्क्स नहीं आए होंगे, है ना, जो उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ होगा, तो अब ये नहीं करना है कि यार कि आप क्या करें क्या करें क्या करें, भले सीख लो चीज़ों को, है ना, और थोड़ा ना इस टाइम पे आपको थोड़ी पेशेंस रखना होता है, धैर्य रखना होता है, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, है ना। जब भी हमें कोई दिक्कत आती है, कोई मेंटली हमें प्रॉब्लम आती है ना, क्या कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है, हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो नॉर्मल बात है, परेशान हर कोई होगा उसमें, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, बस उस टाइम आपको आराम से रहना है और सोचना है कि चलो अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन नहीं है कुछ करने का, अब या तो नेक्स्ट जब अपॉर्चुनिटी आएगी, जब नेक्स्ट मौका मिलेगा तो फोड़ के रख दो चीज़ों को, है ना, और अच्छे से अपना करते रहो, बाकी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग बता सकते हो, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, ठीक है। बाकी अच्छे से करते रहो, वीडियो को लाइक आपने कर लिया होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ी यही आपसे बात करनी थी कि यार जिनका थोड़ी ऊपर नीचे चल रहा है तो अब परेशान मत हो, आगे अपने अच्छे करते रहो, है ना, क्योंकि यार देखो हर कोई ना, कोई भी बच्चा हो, हम हर किसी बच्चे को एक जैसा जज नहीं कर सकते हैं, एक का दूसरे से कंपेयर उस लेवल तक नहीं कर सकते हैं, है ना। हल्का फुल्का तो चलता है क्लास में कि देखो यार उसने ऐसा कर लिया आपने नहीं करा, उतना चलता है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, अपने अपने फीचर होते हैं, है ना। वो कहानी आपने सुनी होगी ना कि यार अगर आप मछली को बोलोगे कि पेड़ पे चढ़, वो तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना लॉजिकली है ना प्रैक्टिकली है, है ना। तो ये चीज़ें होती है, हर किसी की अपनी अपनी ताकत होती है, अपनी अपनी एक मतलब उसका एक रहता है अपना ना, कि भाई ये इस काम के लिए बना है, इस तरीके से, है ना। तो आपको ज़्यादा अपना कंपेयर किसी दूसरे से नहीं करना है, बस अच्छी चीज़ों को फॉलो करो और मेहनत करते रहो, चांस लेना है आपको, है ना, चांस लेना है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, यही लाइफ आपकी बेस्ट लाइफ है ना, आगे लपेटे जाओगे बढ़िया से, ठीक है। इसलिए अभी आप आराम से जो काम है उस काम को करो, एक दो ही आपके काम है, आपको खाना है, पीना है, सोना है, पढ़ना है ना, और खेलना है, तो अच्छे से इनको करते रहो बैलेंस वे में, बाकी मस्त स्वस्थ रहो और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करो, ऑब्वियसली करते होंगे, उनकी बातों को माना करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार करो और अच्छे से अपनी जिंदगी को इंजॉय करो, जियो, ठीक है, खुद भी जियो और उनको भी जीने दो और मस्त होकर के अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, ओके गाइस।